नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। और देखिए इस वक्त जो अब माहौल बन रहा है वो बड़ी जीत के बाद जश्न का माहौल है। वो जश्न जिसके लिए इंतजार एनडीए ने किया, जिसके लिए मेहनत बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन उसके बाद जश्न को तब्दील होने में भी हमने देखा कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। अब बारी है इस शानदार जीत की और दमदार जो जश्न मनाया जा रहा है उसके, यानी इसके बाद की तस्वीरें। और बीजेपी मुख्यालय में इसकी तैयारियां भी बहुत बखूबी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पटना में जीत मिली, आतिशबाजी कल ही हो गई, लेकिन उसके बाद दिल्ली में यह तैयारी रोक दी गई, जश्न को थोड़ा होल्ड किया गया, लेकिन यह बताने के लिए कि यह रुका नहीं है, थमा नहीं है, यह और बड़ा होने वाला है, और मेगा होने वाला है, और ग्रैंड होने वाला है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। और तैयारियां भी कैसे कि खुद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, खुद गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनका उत्साह बढ़ाएंगे। और यह जीत बहुत मायनों में बीजेपी के लिए खास भी हो गई है। आज तक बिहार के इतिहास में अगर बीजेपी को उठाकर आप देखते हैं या समझते हैं तो यह जानिए कि बीजेपी ने दरअसल बिहार में अपने आप को दूसरे छोटे भाई के तौर पर पेश किया था, लेकिन बीजेपी लगातार इस कोशिश में लगी थी कि उसको अपनी छवि बदलनी है, उसको अब एक्टिव किरदार निभाना है, यानी वहां पर पहुंचना है जहां से वो ये बताए कि दरअसल वहां पे बड़ा कोई है, तो वो है बीजेपी। और वो दम कैसे हम दिखाएंगे, इसके लिए बीजेपी ने खाका तैयार किया, रणनीति तय की। उसके बाद जो तस्वीरें दिखी, बीजेपी एक बड़े दल के तौर पर आती है, जेडीयू पीछे चली जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि आरजेडी ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस बार पहचान बनाई। हम लगातार एक मेगा कवरेज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्षा जुड़ चुकी है और प्रिया भी पहुंच चुकी है जेडीयू ऑफिस से, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हर्षा भी मौजूद है, इन दोनों के पास भी चलते। प्रिया, सबसे पहले आपके पास क्या वहां पर तस्वीरें, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपको हम ये बता दें कि इसके अलावा भी हम बीजेपी ऑफिस जो मुख्यालय है दिल्ली में वहां पे भी जाएंगे। वहां पे माधुरी कलाल मेरी सहयोगी मौजूद होंगी, लक्ष्मी उपाध्याय भी वहां पे मौजूद होंगी, क्योंकि ये जीत दमदार है और जश्न भी उतना ही शानदार किया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का जश्न होगा, कार्यकर्ता पीएम मोदी का संबोधन सुनने को बेताब है, और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में क्या माहौल है ये आपको बताएंगी हमारी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय। लगातार डिबेट में आप पार्टिसिपेट करते रहे और अपना पक्ष रखते रहे, आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, तो आज कार्यकर्ताओं में जोश है, उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी आशा और आकांक्षा के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने वाले हैं। शुक्ला जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या यहाँ से, मनोज यादव जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या यहाँ से बिहार झांकी और पश्चिम बंगाल बाकी का इशारा है प्रधानमंत्री का? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार का जनादेश आया है, बिहार में स्पष्ट कर दिया है जनता ने कि हम लोग केवल और केवल विकास को वोट देने वाले, और विकास पुरुष कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है, और दो तिहाई बहुमत से हम लोग पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ से ऐलान हो जाएगा निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा कहाँ ऐलान करेंगे? अब वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तय करने वाले हैं, मेरा काम है मुख से आपको कुछ बताना, जहां पार्टी का अगर निर्णय। चेहरे की खुशी बता रही है कि जब डिबेट का हिस्सा हुआ करते थे यादव जी, और जब आपसे सवाल होता था तो आप कहते थे फाइनल नतीजों का इंतजार है, एग्जिट पोल को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और वाकई एग्जिट पोल के बाद जो फाइनल नतीजे आए वो यही कह रहे थे। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से मैं डिबेट में बैठता था आपके साथ में और मैं बताता था कि देखिए एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल का इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल के परिणाम जो आए वो सबको सामने आ गए हैं, और जिस तरह से तेज प्रताप ने जिस दिन उस दिन बर्थडे पर उनको सीएम तेजस्वी लिख दिया था, तो मैं उस दिन भी कहा था कि देखिए मुंगेरी लाल के हजीन सपने देखने चाहिए, जनता समझदार है, जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है, ना वो वंशवाद को स्वीकार करने वाली है, ना वो परिवारवाद को स्वीकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, निश्चित रूप से एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, पहले से ऐलान हो चुका था और बार बार मंच से भी ऐलान हुआ है नीतीश कुमार जी हमारे, लेकिन इस बार बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, बड़े भाई बनकर उभरे हैं। देखिए, गठबंधन का जो धर्म होता है, गठबंधन के धर्म के अंदर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, गठबंधन धर्म के अंदर सब भाई बराबर होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। बहुत धन्यवाद सर। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार डिबेट का हिस्सा रहे और ये बात को कहते रहे थे, हमारे साथ भी बैठे रहे और इस बात को कहते रहे कि देखिए बड़ा बहुमत मिलेगा, और भी तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का? हाँ, निस्संदेह ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और खुशी का दिन है, क्योंकि बिहार में सुशासन की पुनः जीत हुई है और वहाँ यह मतलब जो अभूतपूर्व इलेक्शन। आज मोदी पहुंच रहे हैं, क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा कार्यकर्ताओं के लिए, अगला टारगेट क्या होगा?
देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही मैसेज है, सेवा, समर्पण, सुशासन और ईमानदारी। और यही कार्यकर्ता के लिए है, यही सरकारों के लिए है, यही पदाधिकारियों के लिए है कि सफलता पे कोई घमंड मत करो। क्या यहाँ से बिहार के लिए मैसेज होगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के लिए मैसेज होगा? निसंदेह, डेफिनेटली पश्चिम बंगाल में जो वहाँ पे जंगल राज चल रहा है, जो हमारे 100 से भी ज्यादा निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी है, और आपने देखा है कि केंद्र की कोई भी योजना वहाँ पर लागू नहीं है, तो मतलब ये बहुत जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई भी योजना लागू नहीं हो रही है। मैं एक दरवाजे से लेकर आपको आगे लिए चलती हूँ, जहाँ पर बाकी की तैयारियां भी है। मैं उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाऊंगी। नीलेश, मैं आपसे कहूंगी जरा आते रहिएगा और आगे की तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए, गाड़ियों का लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है और उसके बाद हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तस्वीरें दिखाते रहिए नीलेश। देखिए, काफिले लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आपने सुना होगा मनोज यादव को जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए यहाँ से ही पश्चिम बंगाल के लिए हुंकार भरी जाएगी। नीलेश आइएगा जरा, तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की पीछे के दरवाजे पर भी तमाम खास मेहमान, और देखिए समय बदल गया है। ये कहा जा रहा है कि 5:20 का वक्त होगा जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद 6:10 का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा। देखिए, यहाँ से वहां तक की मैं तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। ये वो दरवाजा जहाँ पर तैयारियां लगातार चल रही है। मैं नीलेश से कहूंगी, नीलेश जरा दिखाइएगा जूम करके तस्वीरों को। ये देखिए तैयारियां, सिटिंग प्लेस होना शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ पर कुर्सियां, टेबल लगना शुरू हो गई है। ये हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं, और देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्टेज सज चुका है। वो तस्वीरें भी जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाई, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, सबसे पहले तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम इस वक्त जो लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। आपको याद होगा कि इस बार जो बिहार का चुनाव है उसमें सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की बनकर उभरी है, भारतीय जनता पार्टी। और हालांकि सिर्फ बिहार चुनाव के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं होगा, जो कल उपचुनाव के नतीजे आए, चाहे वो गुजरात की 8 सीटों के नतीजे रहे हों, चाहे मध्यप्रदेश की 28 सीटों के नतीजे रहे हों, चाहे यूपी की अन्य सीटों के नतीजे रहे हों, वो तमाम नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आए हैं। गुजरात की 8 की 8 उपचुनाव सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी और बड़ी जीत हुई है। तो जाहिर है कि यहाँ से, जैसा कि मनोज यादव बोल रहे थे अभी, कि यह तो सिर्फ झांकी है, यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, क्योंकि अब बारी आ गई है पश्चिम बंगाल और असम की, जिसमें अगले साल चुनाव हो रहे हैं। और वहाँ के लिए आपने देखा होगा कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे हुंकार भरी है। कोरोना काल के बाद सबसे पहला जो उनका दौरा रहा है वो रहा है पश्चिम बंगाल का, यानी सीधे तौर पर कमर कस ली गई है, और यहीं से, इसी दफ्तर से, यही वो दफ्तर होगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे और ये मैसेज देते हुए नजर आएंगे कि अब आपको तैयारी करनी है तो पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए 200 सीटों का लक्ष्य रख लिया गया है। फिलहाल कैमरा पर्सन नीरज के साथ लक्ष्मी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, दिल्ली, जी मीडिया, नमस्कार। तो ये लगातार तस्वीरें बिहार महाकवरेज की, आज जो विजय पर्व में तब्दील हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए जी हिंदुस्तान की पूरी टीम लगातार बनी हुई है। और इस वक्त पहले मैं भी आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ नवल किशोर जी बने हुए भाजपा से, हमारे साथ जेडीयू ऑफिस के बाहर से हर्ष शाह बीजेपी ऑफिस के बाहर से, हमारे साथ प्रिया पटना से बनी हुई है। लगातार पटना की तस्वीरें और दिल्ली की तस्वीरों के लिए लक्ष्मी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इस वक्त मैं माधुरी कलाल आपके साथ मौजूद हूँ बीजेपी दिल्ली ऑफिस से। इस वक्त भव्य नजारा दिखाती हूँ, ये सामने वो पंडाल है जिसकी तैयारी की जा रही थी। आप देखिए, लगातार इसके लिए फूल और मालाएं ला जा रही थी। घुमाइए जरा कैमरा, और इस वक्त देखिए भीड़, आप देख लीजिए कैमरा को, अभी यहाँ पर जो एंट्री है वो मिल चुकी है, पूरा मीडिया यहाँ जमावड़ा लग चुका है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, इस मंच पर 4 लोग बैठने वाले हैं। जरा इधर घुमाइए, जो लाइटिंग की गई है, ये जो लाइट्स लग रही है एलईडी वाले छोटे, इसमें फूलों की जो रंगोली सजाई गई है, इसके सामने इस डेस्क पर, इस मंच पर 4 लोग बैठे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। इस पूरी जीत का श्रेय जिनको जा रहा है, जेपी नड्डा को, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। ये देखिए आप नजारा, देखिए नीचे जरा इस आदमी को देखिए, क्या उत्साह है, क्या रंग है दोनों कंधों पर, जैसे राम लक्ष्मण को बिठाया हनुमान ने, वैसे इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को बिठाया। मंच पर राजनाथ सिंह होंगे, मंच पर जेपी नड्डा होंगे, मंच पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 4 लोग यहां पर मौजूद होंगे। और इस वक्त बता दें आपको, अमित शाह भी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे, 5 बजे
बेटे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और ये जमावड़ा जो दिख रहा है फूल मालाओं से सजा दिया गया है पूरा। अगर बाहर का नजर आप देखें तो अब से कुछ देर में जैमर लग जाएंगे, 5 बजे 6 बजे के आसपास रूट लगेगा, क्योंकि 6:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर पहुंचने वाले हैं दिल्ली के इस ऑफिस से। बीजेपी दिल्ली के इसी कार्यालय में, न सिर्फ बिहार, क्योंकि बिहार जीत लिया, 10 नवंबर का दिन विनिंग डे था, क्योंकि उपचुनावों में मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की, गुजरात में बड़ी जीत हासिल की, कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की, तेलंगाना में एक बड़ी जीत हासिल की, और अब जब बिहार में भी एक बड़ी जीत हासिल कर ली तो इस मंच से जो मैसेज होगा वो सीधे और सीधे ममता दीदी के गढ़ बंगाल को जीतने का होगा, क्योंकि बंगाल में लगातार प्रभारी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय 6 महीनों से काम कर रहे हैं और लगातार बीजेपी की तैयारी दिख रही है। 5 नवंबर को खुद अमित शाह वहां पहुंच चुके थे, तैयारियां चल रही है, यानी इस मंच से आज एक बार फिर से उत्साह भरा जाएगा उन तमाम लोगों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को समझते हैं। और ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए, ये नजारा इस बीजेपी ऑफिस का इसी गेट से, जरा कैमरा थोड़ा इधर घुमाइएगा, इसी गेट से, इस पहले गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी अंदर एंटर होगी। अब से कुछ देर में एसपीजी यहां पर पहुंचने वाली है और जमावड़ा जो है लोगों का, जो कार्यकर्ताओं का, वो बढ़ेगा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर्स यूज किए जा रहे हैं। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पहले ही गाइडलाइन दी जा चुकी है। इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, लक्ष्मी भी मुझे जो तस्वीरें दिखा पाएंगी, मुझे लगता है कि इस वक्त दर्शकों के लिए देखना बेहद जरूरी। लक्ष्मी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? इस वक्त जो तस्वीरें, मंच की तस्वीरें हैं, जरा सीधी एक बार आप पहुंचाइए, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर से बीजेपी के इस विजय पर्व पर जी हिंदुस्तान लगातार कवरेज दिखा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये नारे लग रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तस्वीरें दिखाइए गरीब जरा, ये तस्वीरें हैं और यही वो स्टेज है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। जरा दिखाते रहिएगा तस्वीरों को, ये देखिए एक कंधे पर है अमित शाह, एक कंधे पर है जेपी नड्डा और दूसरे कंधे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, नीरज जरा मुझे फॉलो करिएगा और आगे की तस्वीर दिखाइएगा। ये देखिए यही वो मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। मैं एक एक करके आगे की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ। कैमरा पर्सन नीरज से कहूँगी, नीरज जरा आगे की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करिएगा। और ये देखिए, ये मंच से हम कुछ ही दूरी पर रह गए हैं, हम मंच से कुछ ही दूरी पर रह गए हैं और बहुत जल्द हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। कौन है आप, कहां से पहुंचे हैं और किस तरीके के नारे, जय श्री राम के नारे क्यों? ये बहन जी, आज जो है दिवाली, आपने देखा जैसे राम भगवान ने रावण को मारने का काम किया, इसी तरह नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने जेपी नड्डा जी की योजनाओं के अनुसार वहाँ के जो बेईमान लोग थे, जो जंगल रास्ता उसको खत्म करने का काम किया है। मैं तेजस्वी को रावण का नाम दूंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है प्रिया, लक्ष्मी लगातार आप बनी हुई है, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। हम भी कोशिश करेंगे और तस्वीरें दिखाने की, लेकिन इस वक्त प्रिया के पास मैं चलना चाहूंगी। प्रिया, पटना ऑफिस में क्या नजारा हमें आप दिखा सकती है? पटना ऑफिस का नजारा जरूर दिखाइए, उसके बाद हर्षा का रुख करेंगे। पटना ऑफिस से बीजेपी के इस जश्न की सबसे बड़ी कवरेज हिंदुस्तान पे लगातार। पटना से प्रिया, पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि एनडीए इस बार बिहार में विधानसभा ये चुनाव लड़ रही थी बिहार का, तो ये कार्यालय भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली मुख्यालय पे सबकी नजर है भाजपा के। लेकिन यहाँ देखिए जेडीयू का जो ये कार्यालय है, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है जेडीयू के या फिर जितने भी समर्थक है बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी यहाँ पर चौपाल लगी हुई है और निश्चिंत तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद ये चर्चा हो रही है कि कहाँ पे चूक भी रहेगी या फिर किस तरीके से इस बार जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसके बावजूद जो नतीजे सामने आए हैं उस पर कितनी खुशी रही और विक्ट्री साइन भी यहाँ पे लोग दिखाते नजर आए हैं। दिल्ली मुख्यालय भाजपा में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम जरूर है, लेकिन आज जेडीयू दफ्तर में पटना में भी इस तरीके से लोग मौजूद है इस कार्यालय में। हालांकि नीतीश कुमार के आने का पहले कार्यक्रम भी था, ये खबर भी थी, लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार यहाँ अभी आज नहीं आएंगे। हालांकि जैसे ही ये रिजल्ट सामने आए उन्होंने अपने सारे विधायक, बड़ी अच्छी तस्वीरें हमें लगातार लाइव तस्वीरें प्रिया भी दिखाती रहेंगी और मुझे लगता है हर्षा के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले क्योंकि लगातार बीजेपी के इस विजय पर्व की तस्वीर जहां सिर्फ बिहार का इम्तिहान खत्म होकर नए बंगाल के इम्तिहान की शुरुआत और आगाज होने जा रहा है, इसकी तस्वीर लगातार बिहार महाकवरेज की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बिहार कवरेज पर महा कवरेज के साथ लगातार जी हिंदुस्तान, ब्रेक के बाद। मैं हूं या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर।
ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।